हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ का बिहार बोर्ड का साइंस का आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम हो चुका है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी वीडियो को देख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का वीडियो हमने बना के डाल चुके हैं और जाके आप वहाँ से देख सकते हैं और अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख, पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो इसका किस लेंस का व्यवहार होता है, तो ये अवतल लेंस का व्यवहार होता है। ठीक, अगला देख लीजिए, किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर। ठीक, अगला देखते हैं, तीन नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है, ये रेटिना पर बनता है। अगला, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो ये लाल। ठीक, अगला देखते हैं, किसी प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो ये पांच सतहों से घिरा होता है। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। ठीक, छह नंबर देख लेते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, तो ये एमीटर होता है। ठीक, एमीटर। ठीक, अगला देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये ऊर्जा का है, विद्युत ऊर्जा का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो ये अवतल लेंस बना सकता है। ठीक, अगला देखते हैं, नौ नंबर, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, समतल दर्पण में हो सकता है। ठीक, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए पदार्थ का प्रयोग करता है, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ठीक, बहुत हार्ड हो रहता है। ठीक, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हम 11 नंबर, तो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये किस सिद्धांत पर, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखते हैं, एक यूनिट ऊर्जा बराबर जूल में 3.6 × 10⁶ जूल होगा। ठीक, आगे देखते हैं 13 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20+20 है, तो वह यह तो इसका आप अपने से देख लीजिएगा, इसका ऐसे अवतल दर्पण हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार, हम कंफर्म नहीं है। 14 नंबर देख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यह ऋणात्मक होती है। अगला देखिए, टिंडल प्रभाव का प्रदर्शित होता, तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। इसका भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, ऐसे आपको 40 ही बनाना है, जो नहीं पता रहेगा वो उसको आप छोड़ दीजिएगा, आपको 40 ही बनाना है। तो आगे देखते हैं, 16 नंबर देख लीजिए, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षारक होगा, तो ये 0 से 7 तक कौन हो जाता है, अम्लीय, 0 से 6 से 7 तक, और 7 हो जाता है उदासीन, 7 उदासीन हो जाता है, और 7 से 14 तक हो जाता है क्षारीय, तो इसमें 7 से 14 तक कौन है, ये 13 नंबर है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, निम्नांकित में कौन प्रबलम है, HCl निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हल्दी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3, बैटरी का अम्ल है, तो सांद्र H2SO4, 21 का बी हो जाएगा। ठीक, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो Fe। ठीक, अगला देखते हैं, बॉक्साइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। ठीक, अगला देखते हैं, पीतल है, तो पीतल क्या है, तो पीतल हमारा है मिश्र धातु है, पीतल हमारा मिश्र धातु है, धातु नहीं है। ठीक, आगे 26 नंबर देखते हैं, 26 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम लिथियम इस सबको चाकू से काटा जा सकता है, ये धातु है फिर भी चाकू से इसको काटा जा सकता है, सोडियम को। अगला देखते हैं, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है, तो ये Fe4 बनता है। ठीक, अगला देखते हैं, 28 नंबर, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। अगला देखते हैं, 29 नंबर, 28 का हो गया बी। अगला देखते हैं, 29 का, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो ये उष्माक्षेपी होती है, उष्माशोषी नहीं। अगला देखते हैं, 30 नंबर, मोमबत्ती की ज्वाला में कितने भाग होते हैं, 3। अगला देखते हैं, 31 नंबर, वे बिलियन जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं कहलाते हैं, तो ये क्षारक कहलाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, 32 नंबर, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील
धातु है तो कौन है, तो सोडियम, सोडियम। ठीक, अगला देखते हैं 33 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो ये सिनेप्स कहते हैं। 33 का बी हो जाएगा। एड्रोजन क्या है, तो एड्रोजन क्या है, तो ये आप बताइएगा। ठीक, अगला देखते हैं 35 नंबर, तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। ठीक, मोनापन नहीं होता है, मधुमेह होता है। ठीक, आगे देखते हैं 36 नंबर से, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षक करता है, तो ये अग्रमस्तिष्क करता है। अगला देखते हैं, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नांकित में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आप देख लीजिएगा, इसे तो मारा मुकुलन में आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अगला देखते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो ये XXX होता है। ठीक, XX। ठीक, आगे देखते हैं, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ये ग्रेटर जॉन मेंडल ने किया, मेंडल ने किया। ठीक, आगे देखते हैं 40 नंबर, नेफ्रॉन पाया जाता है, तो नेफ्रॉन वृक्क में पाया जाता है। 40 नंबर देखिए, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक है, तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लीजिएगा इसको भी। आगे देखते हैं, मेंडल के द्विसंकर संक्रमण का लक्षण है, तो ये प्रायोगिक अनुपात कौन है, तो ये ए नंबर हो जाएगा, 9:3:1। ठीक, अगला देखते हैं, कोशिका में युग्मकों के संचलन संलयन की परिणति कहलाती है, तो ये जाइगोट। ठीक, अगला देखते हैं, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो 120 दिन। ठीक, अगला देखते हैं, चलनी 45 के चलनी नलिकाएं पाई जाती है, तो ये आप फ्लोएम में मार दीजिएगा। अगला देख लीजिए, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो CO और H2O, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं 47 नंबर, आप बना लीजिएगा, 48 का देख लेते हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव दिखा देंगे। ठीक, अगला 48 नंबर देखते हैं, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है, तो ये फल का ही होगा। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अभी तक पूरे वीडियो नहीं देखे तो आप जाके पूरा वीडियो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। पूरा वीडियो मैंने ओरिजिनल वीडियो डाल चुका है, ओरिजिनल पेपर का डाल चुका है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।